everybody and a very warm welcome to my channel. आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इन्फ्यूजन ऑयल विच इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड अ वंडरफुल इन्फ्यूजन ऑयल दैट इज द हाइबिस्कस ऑयल. मैंने कोकोनट ऑयल में हाइबिस्कस की पेटल्स को इन्फ्यूज किया है टू अटेन दिस ब्यूटिफुल गोल्डन कलर ऑयल. हाइबिस्कस के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात नहीं करने वाली हूँ बिकॉज इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल हाउ अमेजिंग दिस फ्लावर इज, व्हाई इज इट कॉल्ड द फ्लावर ऑफ द हेयर केयर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो अगर आपको हाइबिस्कस के बारे में उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूट्रिटिव वैल्यूज फॉर योर हेयर जानना है तो प्लीज गो बैक टू माय प्रीवियस वीडियो एंड हैव अ लुक. सो फॉर टुडेज इन्फ्यूजन मैंने आपको बताया मैंने कोकोनट ऑयल लिया है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट हैव माय वर्जिन कोकोनट ऑयल विद मी सो आई हैव टेकन द पैराशूट द वन विच वॉज अवेलेबल द पैराशूट ऑयल आई हैव टेकन इट इन अ कंटेनर. मैंने उसमें हाइबिस्कस की पेटल्स को डाल दिया है एंड टिल द पेटल्स वर लाइक कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट टू लुक एट तब तक मैंने उसे लो फ्लेम पे हीट किया है. And I have the oil ready with me. One most important thing that is to be mentioned here is ये ऐसा हो चुका है. You can just have a look. It has not like completely solidified, but yes, थोड़े से crispy हो गए हैं जैसे पापड़ हो जाता है जैसे. You can have a look. It's a bit, but the oil proportions it's like completely there. Right. So अगर मैं इसको ऐसे मसल दूँ, you can have a look. Completely granule form में आ गया. It's complete fine granules, right? So this oil along with the leaves, I'm going to apply it on my hair. And then I'm going to comb it because jitne bhi thode se bade suspensions honge, wo nikal jayenge. And the rest are going to be there in the scalp and the hair. And I'll be washing my hair after 3 to 4 hours. Because it's my washing day today, so I'm, you know, applying it for 3 to 4 hours. अगर आप चाहें एंड यू हैव टाइम, वी ऑल हैव टाइम दीज डेज, तो अगर आप घर पर हैं जो कि हम सब हैं, तो आप इस ऑयल को पूरे दिन के लिए रहने दे सकते हैं एंड वॉश इट ऑफ द नेक्स्ट डे. सो आई एम शोइंग यू द एप्लीकेशन एंड मे बी आई मेक सम हेयर स्टाइल टुडे बिकॉज आई हैवंट डन इट सिंस लॉन्ग. सो लेट्स सी. वन मोर थिंग, मैंने जो लीव्स थी मैंने उनको अच्छे से क्रश कर दिया है एंड द ऑयल लुक्स लाइक दिस, राइट? वेरी फाइन ग्रैन्यूल्स इन द ऑयल एंड एग्जैक्टली ऐसी ही कंसिस्टेंसी है. सो
तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे बाल कितने ओबीडियंट हैं। विद जस्ट फ्यू स्ट्रोक्स ऑफ दिस नॉर्मल प्लेन कॉम्ब दे आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली आउट कर्ल्ड जस्ट लाइक सो, एंड विद फ्यू स्ट्रोक्स दे आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इन कर्ल्ड। टाडा। सो आई ट्राई डूइंग सो मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर। मैंने सोचा कि मैं बन बना लेती हूँ, देन आई थॉट ऑफ मेकिंग टू प्लेट्स, बट फाइनली आई एंडेड अप मेकिंग दिस ब्यूटिफुल फिश टेल ब्रेड। यू कैन हैव अ लुक, कितनी खूबसूरत ये लगती है। हिंदी में वी कॉल इट खजूरी चोटी, एंड इसका जो लुक है, फाइनल लुक, इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। आप इसको बैक साइड में देख लीजिए, दिस इज हाउ इट लुक्स। दिस इज द अल्टीमेट लुक दैट यू गेट व्हेन यू मेक द खजूरी चोटी, and the back portion is like this. You can have a look how amazingly beautiful this looks. So you can see for yourself how amazing this looks, and if like properly done, you can wear it like anywhere. I am just a fan of this khajuri choti. We call it fishtail braid, and it's like really amazing. So this was it for this video. I hope you enjoyed it. Please let me know in the comment section as well कि आपको ये video, ये application, ये particular infused oil कैसा लगा।
So this is it for this video. I hope you enjoyed it. I thoroughly enjoy telling everything to you. So agar aapko koi bhi query hai regarding this infused oil or this kind of application, just let me know in the comment section. I'll be more than happy to help you out. Also, hibiscus is just wonderful, jaisa ki main aapko baar baar bol rahi hu. So aap please isko kisi bhi tarah use kijiye aur kisi bhi oil mein infuse kijiye. I had coconut oil with me, so maine usme kiya hai. Aapke paas koi aur oil available hai तो आप उसमें इसको इन्फ्यूज कीजिए एंड यूज इट फॉर योरसेल्फ. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग न्यू. टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो प्लीज स्टे एट होम.